मियांवाली कत्ल के मुकदमे में मतलूब 26 साल पुराने दो मुजरमान इश्तियारी गिरफ्तार। आईजी पंजाब की खसूसी हिदायत पर डीपीओ मियांवाली की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस और CIS स्टाफ मियांवाली ने मुश्तरका कार्रवाई में मियांवाली पुलिस को 26 साल से मतलूब दो मुजरिम इश्तिहारी जहाद इकबाल उर्फ बाली और साजिद इकबाल उर्फ गागा को गिरफ्तार कर लिया। मियांवाली ने इश्तिहारी मुजरमों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और अथक मेहनत के बाद गिरफ्तार किया और इस बात का भी पता चला कि ये जो दो इश्तिहारी 26 साल बाद पकड़े हैं वो साबिक MP इनामुल्लाह खान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के करीबी रिश्तेदार के कातिल हैं। रिपोर्ट शेख अनवर, पाक TV मियांवाली। थाना सदर लाला मूसा का इलाका कोटली कासम अली खान में सगे कामसिन भतीजे को सर में ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। DPO उमर सलामत ने वाकये का सख्ती से नोटिस लेते हुए SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर जफर गोंदल को हिदायत की, मुल्जम को जल्द अज गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, जिस पर DSP लाला मूसा मियां अफजल शाह की जेरे निगरानी। SHO थाना सदर लाला मूसा ने अपनी टीम के हमरा पेशावराना महारत और टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए संगदिल कातिल को मुख्तलिफ जगहों पर रीड करते एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नासिर महमूद अपने सगे भाई की सौतेली बेटी को छेड़ता था, जिसे मना करने पर अपने भाई को ईंटें मारकर जख्मी कर दिया, जबकि कमसन भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तार मुलजिम की तफ्तीश जारी है। थाना कुंजा के इलाका गुलीकी के रिहायशी मोहम्मद अफजल, जो के मैरिज हॉल का मालिक है, के घर 3 शख्स दाखिल हुए और अपने आप को नैब के अफसरान जाहिर करके इनको कहा कि आपके खिलाफ नैब इस्लामाबाद में संगीन नोयत का केस चल रहा है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जिस पर मोहम्मद अफजल और इनके बेटे की जानिब से दस्तावेजी सबूत मांगने पर इस्लामाबाद की अदालत का जाली समन और नैब की जानिब से जारी किया गया जाली लेटर दिखाया, जिस पर अफजल के बेटे ने शक गुजरने पर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर मदद के लिए कॉल कर दी। कॉल वसूल होने पर SHO थाना कंजा इंस्पेक्टर इजाज भट्टी रिस्पांस करते हुए अपनी टीम के अमरा इतला दहिंदा के घर पहुंचकर तीनों शिकायत से पूछगिछ की तो मुलजमान कोई तसली बख्श जवाब न दे सके और जाली नैब अफसरान बनने का इतराफ कर लिया। मुलजमान के कब्जे से नैब की जाली दस्तावेजात, कार्ड बरामद और मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO गुजरात उमर सलामत का कहना है कि शहरी ऐसे जालसाज अनासर से होशियार रहे और इनकी इतलाह फौरी तौर पर पुलिस को दें। रिपोर्ट जमील अहमद ताहिर, पाक TV लाला मूसा। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है तो इसके बंदों से प्यार करो। अनवर खत्मे नबूवत ट्रस्ट की जानिब से चिन्नी करेशिया के रिहायशियों में माहाना राशन तकसीम किया गया। इलाके में पीने का साफ पानी न होने के बायस मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही थी, जिसके बायस लाखों रुपए मालियत का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए MPA मौलाना मोहम्मद अलियास चनियोटी और चेयरमैन अनवर खत्मे नबूवत ट्रस्ट ने कहा कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है तो उसके बंदों से मोहब्बत करो और इनके काम आओ। ट्रस्ट की तरफ से इलाके के 3 बेरोजगारों को रक्षे, दर्जनों बेवाओं को और सिलाई मशीनें, 22 से जायद इलाकों में हैंड पंप, 20 से जायद बच्चों के स्कूल की फीसें, 3 दर्जन से जायद बेवागान की खवातीन के घरों का किराया अदा किया जा रहा है। चनेओट के देही इलाकों के जानवरों में पुरसरार बीमारी फैल गई। हरसा शेख, किला आसिया, ठट्टा सावन, नेकोकारे के इलाकों में 3 दिन के दौरान लाखों रुपए मालियत के 10 जानवर हलाक हो गए। अहले इलाका के मुताबिक जानवर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होते हैं और खड़े खड़े गिरकर दम तोड़ देते हैं। गुज़िश्ता रात फलक शेर और मुबशर की 3-3 लाख रुपए मालियत की भैंसें, शमा 2 लाख रुपए मालियत की भैंसें, भाई खान और अनवर के 2 बछड़े हलाक हो गए। अहले खाना के मुताबिक अरता शेख पर मौजूद वेटरनरी अस्पताल के डॉक्टर्स को फोन किया लेकिन कोई भी जानवर देखने नहीं आया। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर सुहेल के मुताबिक कई इलाकों में गिलघुटों की बीमारी फैली हुई है, जिसकी वैक्सीन की जा रही है कि लेकिन ये बीमारी वो नहीं है, इसकी तशखीस के लिए डॉक्टर्स को भिजवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सईद मसूद नोमान का गवर्नमेंट हाई स्कूल कानवी वाला तहसील लालिया का विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने हाजिरी रजिस्टर को चेक किया और क्लासेस में जाकर तलबा से इनकी तालीम के हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने तलबा को कोरोना के हवाले से एहतियाती व हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करने की ताकीद की। उन्होंने मजीद कहा कि टीचर्स और तलबा की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की हिदायत पर
रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनाकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान मसूद और असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला कौंसिल हाल में लोगों के रेवेन्यू के हवाले से मसाइल सुने। खुली कचहरी में तमाम अफसरान और पटवारियों ने शिरकत की। दस्तगी रिकॉर्ड, फर्द मालियत का अजरा, इंतकालात का अंदराज, रजिस्ट्री, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का अजरा की फौरी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एक ही छत तले अवाम को रेवेन्यू की तमाम सहूलियत फराहम की जा रही हैं। अवाम से बराह रात मसाइल सुनकर हल कर रहे हैं। डीपीओ चनेट बलाल सफर शेख ने पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों के मसाइल सुने। डीपीओ ने दरख्वास्तें मुतलका अफसरान को मार्क करके दाद रसी यकीनी बनाने की हिदायत की। कम्प्लीमेंट सेल अफसरान को दरख्वास्तों का फॉलो अप लेकर रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत की। डीपीओ ने हिदायत की कि पुलिस खिदमत मरकज में अपने मसाइल लेकर आने वाले शहरियों से बाज़ादा फीडबैक भी लिया जाएगा। कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर चनाब नगर डॉक्टर गोहर जहांगीर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों ने क्या कहा और मजीद ये कि इतने लोगों को वैक्सीन लगाने और बाकी मामलों को देखने के लिए गवर्नमेंट मुलाजमीन के तादाद 6 लोग ही हैं। डीसी चनाब सईद मसूद नवान से मुतालबा कि मुलाजमीन की तादाद को मजीद जायद किया जाए और डीसी चनाब खुद आकर चेक करें ताकि आवाम को बेहतर रिलीफ मिले। अहमदनगर में वाकया सरकारी हस्पताल इंतजामिया का कमाल। कीमती अद्वियात मरीजों को देने की बजाय कूड़े की नजर कर दी जाती है, जबकि मरीज अद्वियात की अदम दस्तियाबी का रोना रो रहे होते हैं। तहसील भर के सरकारी अस्पतालों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात नायाब होती हैं, जबकि बुनियादी मरकज सेहत अहमदाबाद में नाहल अमला मुजरमाना गफलत करते हुए सरकारी अद्वियात को कूड़े के ढेर की नजर कर देता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट सईद मसूद नुमान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नौजवान MPA मेहर तैमूर अमजद लाली 2018 में पहली दफा मुंतखब होने वाले रुकन सूबाई असम्बली हैं। अपने हलके और अपने जिले की तरक्की के लिए इनकी काविशें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। अपने हलके में रिकॉर्ड तरक्याती काम इनकी अवामी खिदमत का बोलता सबूत हैं। डबल रोड के हवाले से हर दौर में आवाजें उठती रही, लेकिन पहली दफा MPA मुंतखब होने वाले मेहर तैमूर अमजद लाली की आवाज तारीख का हिस्सा बन चुकी है। कोई माने या ना माने, पार्लियामेंट मीटिंग से लेकर हम ख्याल ग्रुप के प्लेटफार्म से वजीर आला पंजाब के साथ मीटिंग्स में अपने हलके और जिले के मसाइल पर गुफ्तगू और इनके हल के लिए बेहतरीन काविशें इस नौजवान MPA की तरक्याती सोच की आयनादार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं काविशों की बदौलत फैसलाबाद सरगोधा रोड की मंजूरी भी हो चुकी है और हल्का में रिकॉर्ड तरक्याती काम भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिली सदर मियां शौकत थेम और जिली सदर वुमेन विंग अक्सा हयात लाली ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद रोड के लिए 2.5 अरब के फंड जारी कर दिए हैं। 2.5 अरब रुपए रोड के साथ मुलहक्का प्राइवेट जमीन खरीदने के लिए जारी किए गए हैं। महकमा सुई गैस और बिजली को भी अपनी तनसीबात रोड से दूर करने के लिए लेटर जारी कर दिए गए। इनका कहना था कि नून लीग ने इस रोड की तमीर के वादों पर 2 दफा इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। नून लीग ने रोड तमीर करने का वादा 15 सालों में भी पूरा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने मुतअद्दद बार सियासी जलसों और दौरों पर रोड बनाने का वादा किया था, जो इनकी हुकूमत के खात्मे तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि इस रोड के फंड फैसलाबाद और लाहौर मेट्रो पर लगा दिए गए थे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बरदार ने 3 माह कबल चनेट में अपने दौरे के दौरान रेस्ट हाउस में साफियों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इनका कहना था कि रोड की तामीर के बाद फैसलाबाद का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगा। रोड खराब होने की वजह से फैसलाबाद पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। ऑल फैसलाबाद NGOs अलायंस का बाकायदा इजलास अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत सरपरस्ते आला डॉक्टर खालिद शहजाद ने की। इजलास में मलक यासीन अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन, राना अब्दुल सत्तार वर्ल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मिर्जा बशीर अहमद ईमान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैडम तस्नीम कायद आजम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तारक रहमानी सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के मियां आफताब और तारक चिश्ती ने शिरकत की। इजलास में सरपरस्ते आला डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद ने बाकायदा जिम्मेदारान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक चेयरमैन मियां आफताब अहमद, जनरल सेक्रेटरी मलक यासीन, वाइस चेयरमैन राना अब्दुल सत्तार, डिप्टी सेक्रेटरी मिर्जा बशीर अहमद मोहसिन, फोकल पर्सन मैडम तस्नीम चौधरी को नामजद किया गया। बाद अज़ां अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मौजूद मेहमानों के एजाज में जहराना दिया गया। रिपोर्ट मलिक सदीक हैदर मुस्तफाई, पाक TV चनेट।